महाठग सुकेश चंद्रशेखर और बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन का नाम एक बार फिर से साथ में लिया जा रहा है। इस बार चर्चा की वजह है दोनों की तस्वीर। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच संबंध है। हालांकि फर्नांडिस की तरफ से इस तरह की किसी भी बात से इनकार किया गया है। चंद्रशेखर 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में मुख्य आरोपी है। 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में ईडी अभिनेत्री जैकलीन से पूछताछ कर चुका है। जैकलीन और सुकेश की तस्वीरें सामने आई है। रिपोर्ट के सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ये फोटो इस साल अप्रैल और जून की है, जबकि ठग अंतरिम जमानत पर बाहर आया था। रिपोर्ट के अनुसार ईडी सूत्रों ने बताया कि ठग ने अभिनेत्री से चेन्नई में 4 मुलाकातें की, साथ ही उसने इन मुलाकातों के लिए एक्टर को प्राइवेट जेट की व्यवस्था करा कर दी। कर्नाटक के बैंगलोर के रहने वाले चंद्रशेखर ने कथित रूप से 17 साल की उम्र से ही लोगों को ठगना शुरू कर दिया था। उसने काले कारनामों की शुरुआत बैंगलोर से की और कुछ समय में चेन्नई पहुंचा। इसके बाद उसने बड़े शहरों में कई अमीर लोगों को ठगी का शिकार बनाया। चंद्रशेखर को बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। उसने नौकरी दिलाने के नाम पर खुद को राजनेता का रिश्तेदार बताया और 100 से ज्यादा से लोगों से 75 करोड़ की धोखाधड़ी की। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, सुकेश चंद्रशेखर और जैकलीन के बीच आखिर क्या रिश्ता हो सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में राय देकर जरूर कमेंट दें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने के लिए मिलती रहे। सबसे पहले धन्यवाद।